नमस्ते, आज हम बना रहे हैं खड़े मूंग की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ में बहुत ही इजी चटनी बना रहे हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम खड़े मूंग को भिगो देंगे 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। 1-2 चम्मच पानी डाल करके हल्का सा ग्राइंड कर देंगे इसको दरदरा। इसके बाद अदरक और हरी मिर्च का हम यहाँ पे पेस्ट डाल रहे हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं। कुछ कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डाल रहे हैं और यहाँ पे हरा चना हमने लिया है, इसकी जगह पे आप सब्जी या प्याज काट करके डाल सकते हैं। टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच से कम गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर डालेंगे, आमचूर का पाउडर, उसकी जहाँ पर आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का जूस डाल करके अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। बेसन यहाँ पर हम 3 चम्मच ले रहे हैं। 3 चम्मच बेसन डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। थोड़ा सा हम 1-2 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम ढक करके रख देते हैं। तब तक हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 चम्मच हम खड़ा जीरा लेंगे, 2 चम्मच चीनी लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लेंगे। ये सबको हम मिक्सी में डाल करके 2-3 चम्मच पानी डाल करके एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो मेरा चटनी बनके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है, मेरा बैटर भी तैयार हो गया है। अब इसको हाथों से हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। जब मेरा तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम बैटर को थोड़ा थोड़ा से लेकर के कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। तेल यहाँ पे मेरा गरम है तो चम्मच में लेकर के ऊपर से हम डाल देंगे कि थोड़ा सा ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। 1-2 मिनट के बाद इसको चम्मच की मदद से हम पलट देंगे। एक तरफ से सिक जाने के बाद हम चम्मच से सबको पलट देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद हम चम्मच से दूसरी तरफ पलट देंगे और उलट पलट करके हम अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, खाने में बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही टेस्टी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही ईजी है। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।